नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा चैनल कैप्टन स्वपन मिश्रा में आप लोगों का स्वागत है। आज हम थोड़ा बजट के बारे में गुफ्तगू करेंगे। हालांकि गुफ्तगू जो है ये पता नहीं उर्दू का वर्ड है कि हिंदी का वर्ड है, लेकिन थोड़ा मतलब वार्तालाप करेंगे, करेक्ट हिंदी में वार्तालाप करेंगे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा दूसरा जो इंटरनेशनल इवेंट्स, नेशनल इवेंट्स, उसको भी थोड़ा टच करेंगे। तो हमारा बजट की सेशन जो परसों से शुरू हुआ और कल बजट पर पेश हुआ, उसके बाद जो जो रिमार्क, ये जो डिस्कशन वेरियस चैनल में बड़े बड़े अर्थनीतिक जो विशेषज्ञ हैं, उन्होंने जो रिमार्क दिए हैं बजट को, किसने क्या बोला, ये बोला, ये लोग, ये जो चीज़ें आप लोग टीवी में, यूट्यूब में, डिबेट में देख चुके हैं। चलिए ये शुरुआत थोड़ा सा इंटरनेशनल और नेशनल बात पे करते हैं, उसके बाद बजट में आएंगे। पहली बात ये है, इंटरनेशनल लेवल पे डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में जो बाइडेन, जो अमेरिका का यूएस का प्रेसिडेंट है, उन्होंने डिसाइड किया, बिकॉज द एज 81 इयर्स इज ए टू दिस थिंग्स, बहुत बड़े एज है, उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं इलेक्शन, यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन नहीं लड़ूंगा जो नवंबर में होने वाला है। उसके ये में जो वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, जब इंडियन ओरिजिन है और वो शायद नॉमिनेट होंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, पहला ये। दूसरी सबसे बड़ी जो न्यूज है, कल की न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट ने जो NET का जो रिजल्ट का घोटाला हुआ, UG स्कीम में पेपर लीक हुआ और काफ़ी CBI इन्वेस्टिगेशन हुआ, 62 आदमी पकड़े गए हैं, सब जो ये है, जो जो नेक्सस है उसका ऊपर दिए हैं, स्टेटमेंट दिए हैं, जो नीट का जो इशू है ये वंस फॉर ऑल क्लोज कर दिए हैं। उन्होंने बोला काउंसलिंग चालू होगा, जिस जिस जगह पे घोटाला होने का चांसेस था वहाँ पर उन्होंने री एग्जामिनेशन कराया, जो यू नो जो लोग ग्रेस मार्क लिए थे उनको भी री एग्जामिनेशन कराया। उसके बाद उनको NTA को बोला कि आप पब्लिश करो, सेंटर वाइज लिस्ट पब्लिश करो, लेकिन रोल नंबर पब्लिश करो, लेकिन कैंडिडेट का आइडेंटिटी नहीं आना चाहिए। NTA ने वो पब्लिश किया। उसके बाद जो 40 करीब पिटीशन आया था कि जो कांग्रेस सपोर्टेड पिटीशन, कांग्रेस और अपोजिशन बोल रहे नीट एग्जामिनेशन को दोबारा करना चाहिए। हालांकि एक राहुल गांधी जी ने ये एक नेशनल इशू बना लिया था, पार्लियामेंट में उठाया था, कल परसों 22 तारीख को जब ये हुआ तो उसका पर एक इशू उठाया गया था, नीट का ये है वो है, बहुत बड़ा धांधली हुआ, घपला हुआ, ऐसे कुछ कर दिए थे, उसका पर सुप्रीम कोर्ट ने पूरा लगा दी, फुल स्टॉप। ये आज की बड़ी है, नीट एग्जामिनेशन जो है सुप्रीम कोर्ट माना, क्वेश्चन पेपर लीक हुआ, बीमारी फैली, लेकिन बीमारी जो 26 लाख लोगों ने 48,000 करीब सेंटर में एग्जामिनेशन दिया है उन तक नहीं पहुंची, और जहां तक बीमारी पहुंची उसको क्या के कि जो अपना जो मेडिकल सिस्टम जो होता है ना, जहां बीमारी शुरू होता है उसको आइसोलेट कर दो, इसने आइसोलेटेड हो गया, पकड़ा गया, उसके बाद स्लोली आइसोलेट हो गया, इसका मतलब बीमारी ज़्यादा तक नहीं पहुंची, इसलिए नीट एग्जाम को कैंसिल करके 24 लाख लोगों को फिर दोबारा प्रिपेयर होके दोबारा एक नो कोचिंग सेंटर, जो कोचिंग माफिया है उनका पास जाके फिर करके फिर देना, ये संविधान और यू नो मानवीयता, जो ह्यूमैनिटी का ऊपर ये एक प्रहार है, तो ये नहीं होगा।
तो नीट का जो इशू था, जो अपोजिशन, स्पेशली राहुल गांधी, एक्चुअली अपोजिशन में वो लोग जानते थे क्या होता है क्या नहीं। एग्जैक्टली बिहार में अपोजिशन तेजस्वी यादव भी खुद पकड़ा, उसका मतलब पकड़ा नहीं गया लेकिन पॉइंट तो उसको हो रहा है ना, हो रहा है, उनको जानते हैं सर ज़्यादा उछलेगा तो हम लोग ही पकड़ा जाएंगे। हम लोग मोदी गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए ये जो खेल रचा है, और टाइमिंग भी चूज किया, इलेक्शन हो चुका है, इलेक्शन प्रचार हो चुका है, उस टाइम पर नीट का एग्जाम हुआ, ये हुआ, ये टाइमिंग हुआ, ये एक बड़ा कंस्पिरेसी था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसका पर टोटली फुल स्टॉप लगा दिया। और बाकी छोटे मोटे बहुत न्यूज है उसको नहीं हुआ। लेट्स कम टू द बजट। बजट एक्चुअली मैं एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक का, अर्थनीतिक का जो विश्लेषण करने वाला आदमी नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत पेपर पढ़ता हूँ, MBA किया हुआ है, तो थोड़ा बहुत अर्थनीति जानता हूँ। आई एम नॉट ए वेरी बिग अर्थनीति शास्त्र शास्त्री मैं नहीं हूँ। जितना नॉर्मल पब्लिक ये वो आप लोग जानते हैं उतना भी मैं जानता हूँ, लेकिन थोड़ा उसका पर कल्चर किया हूँ। मैं नर्सर में बता देता हूँ, ठीक है, शुरू करते हैं बजट, उसके बाद मैं लास्ट ओपिनियन आऊँगा, नर्सर ओपिनियन आऊँगा। बजट में यू नो पैसा कहाँ से आता है, एक पाई चार्ट होता है, पैसा यहाँ से आया, एक पाई चार्ट होता है, पाँच पैसा वहाँ एलोकेट हुआ। ये हर साल 50 साल से मैं भी देखता हूँ, नया नया जब मैं बजट देखता था मैं पाई चार्ट को लाल पीला ये देख के बहुत एक्साइट हुआ, ये हुआ डिफेंस में इतना एलोकेट हुआ, ये हुआ सर कहाँ गया, मुझे पता नहीं। लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा घुसा मैं यू नो अर्थनीति में, आपको बोला कि मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं घुसा, घुसने के बाद मैं थोड़ा सा स्टडी किया, मेरे तो आदत है घुस के थोड़ा बहुत पढ़ाई करना, देखा अपनी पढ़ाई से मैं जितना ज्ञान लिया है। पहले मैं बता देता हूँ कि बजट का जो मेन एलोकेशन क्या है, एलोकेशन होता रहता है, हर बजट में होता है, हम लोग देखते हैं इसको इतना दिया, इसको इतना दिया, हम फैमिली में करते हैं, हम बोलते हैं कि इस साल में इस महीने में, हम तो महीने का बजट करते हैं ना, एक एक दिन का बजट करते हैं, गरीब लोग तो एक एक दिन, कल सवेरे क्या बैंगन खाएंगे कि भिंडी खाएंगे वो बजट होता है, जब नेशनल स्तर में बजट होता है वो सारे लोगों का लेके करते हैं। हम लोग बोलते हैं ठीक है इस साल इस महीने में हम लोग 3 बार मटन चिकन खाएंगे, आमिश खाएंगे, बाकी ये वेजिटेबल खाएंगे, वेजिटेबल का रेट क्या है, ये इतना पैसे का अंदर हम ये करेंगे, ये हमारा जो बजट है जनरली यू नो इन द इंडियन हाउस होल्ड। ये बजट जो फैमिली है आपका, मिसेज गृहिणी जो होम मेकर्स है, जो एक्चुअली आपका परिवार को चलाते हैं एक्चुअली, वो करते हैं। जेंट्स लोग तो ये है मतलब वायर्ड है एक्चुअली, वायर्ड ये करते हैं। तो इस तरह जो हम नेशनल स्तर में आते हैं, फैमिली देन पंचायत देन असेंबली स्टेट देन यू नो वेरियस स्तर में जल्द बजट तैयार होता है। कभी कभी जो बजट में जो जो भी बजट करते हैं ये गोल रखते हैं कि एक साल का बाद दूसरा बजट आएगा तो इस एक साल में हम इतना पैसा इसको डिपार्टमेंट को एलोकेट किए तो इसमें हमको रिटर्न क्या मिला, प्रॉपरली ये पैसा यहाँ पर खर्चा हुआ, जिस पर्पस के लिए हमने बजट एलोकेट किए थे वो पर्पस कितना अचीवमेंट हुआ वो पता चलेगा, ये बजट का रिजल्ट पता चलेगा अगले बजट में। जब बजट का पहले एक दिन जैसे 22 तारीख को असेंबली खुला तो उस दिन इकोनॉमिक सर्वे का रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ, तो ये साल का बजट का जो इकोनॉमिक सर्वे है वो अगले साल बजट में का पहला दिन दिखाया जाएगा। इसका मतलब ये बजट में जो हमने किया है उसका रिजल्ट हमको कितना मिला है, 100% रिजल्ट कोई मिलता नहीं है, लेकिन अगर कुछ 60-70% हम अचीव कर लेते हैं इसका मतलब हमने अच्छे काम किए हैं। ये मैं इस गवर्नमेंट उस गवर्नमेंट क्या पुराने गवर्नमेंट में कैसे बजट किए तो उसका पर मैं नहीं जा रहा हूँ। बजट का मतलब
और नेक्स्ट ईयर में क्या अचीवमेंट किए हैं। बजट में हवा हवाई बात करके एक ठीक है, हमने 10 एम्स खोलने के लिए इतना बजट दे दिया, एक साल का बाद देखा तो 2 एम्स नहीं हुआ है, वो बजट का जो पैसा है वो गया। फिर नेक्स्ट साल फिर प्रमिस करें हम इसको ख़त्म करके और 15 खोल लेंगे, ऐसा नहीं होता है। चलिए बजट लॉन्ग टर्म होता है, इस साल का जो है इसको प्रोजेक्ट ख़त्म करो, अगर ख़त्म नहीं होता है भी उसको कंटिन्यू करो और दूसरे साल में ऐसा कुछ करो जो कि नई चीज़ होगा जिसका पास आपका फाइनेंस है, आपका पास पैसा है। ये हवा है ही बजट, जो राजनीति वाला बजट, ये देश के लिए ठीक नहीं है। अभी थोड़ा बहुत वहाँ आ जाता हूँ, बजट में जो एलोकेशन हुआ है ये लोग सब लोग पेपर में पढ़ चुका, मैं भी पेपर में पढ़ के बता रहा हूँ, बीच बीच में थोड़ा बहुत मैं एनालिसिस कर दूँगा। ये सबसे बड़ा डिफेंस में 6.21 करोड़ टैरिफिक, हमको इसके बहुत ज़रूरत है और इसका पर कोई भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता है, नहीं ज़रूरत है क्योंकि हम घिरे हुए हैं बाहर की शत्रु में घिरे हुए हैं, और अंदर की भी बहुत सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं, अंदर भी इंडिया को खोखला करने के ताकत लगे हुए हैं और बाहर जो दिखने में जो है शत्रु है उससे ज़्यादा हमको नहीं दिख रहा है, जो जिसको हम डीप स्टेट बोलते हैं वो ज़्यादा है। तो इसके लिए हमको डिफेंस को स्ट्रांग करना है। उसके बाद आते हैं नितिन गडकरी जी का, ये वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अराउंड 5.44 लाख करोड़ हैव बीन एलोकेटेड, ये गिवन ए फ्री हैंड है, चलो ये रियली परफॉर्म, उनको जो पैसा मिला वो परफॉर्म काम किया है। हालांकि क्या है कि नेचुरल कैलामिटी जो है उसको ऊपर किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, बारिश हुआ बिहार में, दो पुल बन रहा था, रोड बन रहा था, जबरदस्त जो बारिश पहले नहीं हुआ था हो गया और धो गया, इसके लिए मतलब नेचुरल कैलामिटी का ऊपर अगर कुछ होता है, हाँ रोड कंस्ट्रक्शन में पुल कंस्ट्रक्शन में कोई ये है धांधली है इसका पर प्रूव होना चाहिए, एक्यूज करना चाहिए, लेकिन नेचुरल कैलामिटी का ऊपर कोई भी पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। हाँ कभी क्या हो सकता है कुछ नहीं, जिस जगह में बहुत जगह ज़्यादा में बारिश होता है वो 10 साल से उतना बारिश नहीं हुआ, और जिस जगह में बारिश सही हो बारिश वहाँ पर नहीं हो रहा है, इट इज़ नेचुरल डिस्टिंक्स एनवायरमेंटल इश्यूज एंड ऑल वी कैंट हेल्प इट। तो उन्होंने नितिन गडकरी का ये में दिया है, जो होम मिनिस्टर का ऊपर 1.5 लाख करोड़ दिया है, होम मिनिस्ट्री बहुत इम्पोर्टेंट है, पुलिस रिफॉर्म्स एंड यू नो एक एक कुत्ता जब यू नो इन्वेस्टिगेशन करते हैं एनआईए वेना रहते हैं उनका पर खर्चा होता है काफ़ी चीज़, टेररिज्म ये मतलब होम मिनिस्ट्री का भी बहुत बड़ा रोल है एक्चुअली, बहुत यू नो ओवरग्राउंड वर्कर है, ये देश के लिए खतरा है, कौन आया कौन गया, पासपोर्ट किसका है, आधार कार्ड कैसे बना, कैसे अंदर आगे आके आधार पासपोर्ट बना के फिर जाके देश के लिए ये किया है, एनआईए एजेंसी उनका भी उनका तनख्वाह उनका ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट टू सेव आर कंट्री एक्चुअली। उसके बाद हेल्थ 89.287 करोड़, वो भी थोड़ा बहुत तो ज़्यादा होता तो चलता था, लेकिन फिर भी जो काम हुआ है एम्स इतना हुआ है, मेडिकल फैसिलिटी हुआ है, हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, जो पुराना बजट से बन रहा है उसमें और थोड़ा बूस्टअप देके वो कर रहे हैं। एग्रीकल्चर 1.5152 करोड़ समथिंग ना दैट लाख करोड़ लाख में होता है, क्योंकि टोटल बजट जो है अपना बजट साइज है 48.20 लाख करोड़, जो पहले इंटरिम बजट जो किए थे फरवरी में उसमें 47.65 लाख करोड़ था, थोड़ा ज़्यादा बढ़ाए हैं उसमें बढ़ाए हैं, बाकी फाइनल वर्ड में होगा फिर मैं बजट का देख लेता हूँ। मैन ये एजुकेशन में 1.25638 स्कोर एजुकेशन में आता है, मेन थिंग एजुकेशन में
कॉलेज बढ़ाओ और पब्लिक को ग्रेजुएशन, कोई कॉमर्स ले लिया, कोई ये ले लिया, आर्ट्स ले लिया, साइंस ले लिया, ग्रेजुएशन बढ़ाओ, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे बहुत ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, एजुकेशन का बजट मतलब है स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अगर ये बजट जो है इसमें इतना पैसा अभी डाला है, क्योंकि गवर्नमेंट का प्रेशर है कि लोग ग्रेजुएशन डिग्री लेके आते हैं और पीएन का नौकरी भी नहीं मिलता है, क्योंकि दे आर नॉट स्किल्ड एक्चुअली, दे आर नॉट क्वालिफाइड, क्वालिफाइड नहीं। कोई मैट्रिक का लड़का जो मैट्रिक पास करता है वो भी मोर क्वालिफाइड देन दिस ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स। तो स्किल डेवलपमेंट एंड दैट आईक्यू डेवलपमेंट, सर्टिफिकेट में सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट कोई मतलब नहीं है। आपका लीडर ऑफ अपोजिशन जो है उनका पास फॉरेन का, कैम्ब्रिज का, अमेरिका का डिग्री है, लेकिन अभी तक क्या वो 10th स्टैंडर्ड का जो आईक्यू है अभी तक वो उनको मिला है? नहीं मिला है, नहीं मिला है। वो नहीं जानते क्या बोलते हैं। आईक्यू डेवलपमेंट, एजुकेशन डेवलपमेंट का मतलब है कि स्किल आईक्यू डेवलपमेंट करो। इसके लिए उन्होंने जो अलर्ट किया, मैंने पेपर में देख रहा हूँ, इतना याद नहीं मुझे, तो 1.25 or 26 crore rupees, लाख करोड़ रुपीज, गुड अलॉटमेंट। फॉरेन अफेयर्स में अराउंड 22.15 lakh crore, ये भी जरूरी है, उसके बारे में बताना नहीं चाहता हूँ, आप लोग जानते हैं, जरूरी है। अर्बन डेवलपमेंट ये भी जरूरी है, 82.577 crore अराउंड इन्होंने किया है, क्योंकि अर्बन में भी रोड, मेट्रो, ट्रेन वगैरह जरूरत है। बारिश में वाटर लगिंग होता है, पब्लिक को तकलीफ होता है, ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है। अभी यहाँ से ड्रेनेज करते हैं, अगर ये लो लाइन है, अगर समुद्र में थोड़ा ज्वार आता है तो पानी यहाँ से वहाँ नहीं जा पा रहा है, तो उसको सॉल्व करने के लिए कुछ नई टेक्निक, नई ये की ज़रूरत है। दूसरी बात है कि ना बेसिकली स्लम्स एंड ऑल, ये वी नीड लॉट ऑफ फंड्स फॉर दैट, एंड इट इज़ ए गुड फंड। एनर्जी का पर 69,000 वर्थ दिए हैं, वी नीड एनर्जी। वी आर चेंजिंग फ्रॉम द कन्वेंशनल एनर्जी टू द काइनेटिक एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके हम लाइक सोलर, लाइक विंड, इसको हम ये कर रहे हैं। जो 2050 तक हम जो थर्मल हाइड्रल में चलेगा, हाइड्रल में डिपेंड करता है बारिश कब होता है, हम कितना डैम बनाते हैं, कितना ये करते हैं, लेकिन ये जो एनर्जी जो सेक्टर है डिफरेंट सेक्टर के लिए किया हुआ है। कितना जो बारिश का पानी जो समुद्र में जाता है उसको हम कहाँ पर कैसे रोक सकते हैं, इरिगेशन में, ड्रिप इरिगेशन, कितना हम ग्राउंड वाटर लेवल सब सेव कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, इसका पर जो इसके जो बजट है, ठीक है। बाकी जो छोटा मोटा ये फर्टिलाइजर सब्सिडी तो चलता रहता है, किसान को फर्टिलाइजर सब्सिडी नहीं मिलेगा, हम लोग को खाना नहीं मिलेगा, लेकिन फर्टिलाइजर का सब्सिडी लेने के बाद भी ये लोग फिर किसान आंदोलन करते हैं, गवर्नमेंट को गाली देते हैं, पैसा लेते हैं, किसान निधि लेते हैं, लेकिन फिर भी मतलब सब लोग नहीं, कुछ है जो पॉलिटिकली मोटिवेट है, वो मतलब सब्सिडी लेते हैं, लोन लेते हैं, किसान लोन का वेवर लेते हैं और सब कुछ लेते हैं, बिजली फ्री लेते हैं, और उसके बाद भी गवर्नमेंट को गाली देते हैं। ये एक कम्युनिटी है, इसका कम्युनिटी को मैं प्लस करता हूँ, गवर्नमेंट को गाली देना कम्युनिटी ये है, लेकिन हर किसान नहीं है, ये अराउंड 5% करीब होंगे, 5%, नॉट ऑल द फार्मर्स, फार्मर्स आर अंदाजा, हम लोग खाना खाते हैं तो उनके भी जैसे खाते हैं। देन आईटी टेलीकॉम ऑब्वियसली 1.16 crore, आजकल आईटी टेलीकॉम, नेट, इंटरनेट,
हम लोग सब AI जो टेक्नोलॉजी इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया उसके लिए IT टेलीकॉम बहुत जरूरी है देश को आगे बढ़ने के लिए। हम कल मंगलयान करेंगे, चंद्रयान बेच के अपना खुद का आदमी जाके उनको चंद्रयान में स्थापित चंद्र में स्थापित करेंगे, वो घूम के आएंगे। तो ये देन रूरल डेवलपमेंट में 2.65 कोर्स बहुत ही अच्छा फंडिंग है। फूड सब्सिडी में 2.05 कोर्स फूड सब्सिडी चलेगा, जो 80 कोर्स लोगों को 5 kg का ये चल रहा है, पर बाद में फिर जो हम दे रहे हैं उसका पर भी कंटिन्यू करेंगे। तो लोग गरीबी रेखा से 25 करोड़ रुपये लोग जो है ऊपर आ चुके हैं और ये कंटिन्यू करना है और भी लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल के मीडियम क्लास में लाना है, लोअर मीडियम मिडिल क्लास में लाना, उसके बाद फिर उनको आगे बढ़ाना है। देन पेंशन तो ठीक है, हम लोग पेंशन भोगी है, पेंशन लाते हैं फिर गवर्नमेंट टैक्स भी देते हैं, ये तो है। ये कमर्शियल इंडस्ट्री 47.5 कोर्स, देन और एक ये जो है नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट, इसमें उन्होंने 5,900 crores जो किए हैं, ये थोड़ा नॉर्थ ईस्ट में एक्चुअली इन्होंने नॉर्थ ईस्ट को पूरा लिया है, जो उसमें मेघालय नागालैंड मणिपुर असम सब लोग ये है अरुणाचल सब लोग, इसमें क्या ना कुछ डेवलपमेंट हुआ है जो लोग डेवलपमेंट देखें, लेकिन कुछ स्टेट जैसे मणिपुर स्टेट है उनको डेवलपमेंट देने से भी वो लोग डेवलपमेंट नहीं चाहते हैं, इसलिए कि वो लोग अराजकता फैलाने वाले पार्टी है। कुछ ना कुछ ट्रेन लगाएंगे, जैसे नॉर्थ ईस्ट हैं ट्रेन करने की कोशिश करेंगे उसको उड़ा देंगे, मतलब डेवलपमेंट उसका वो स्टेट में नहीं जाना चाहिए, ऐसे भी कुछ स्टेट है, लेकिन फिर भी मोदी गवर्नमेंट कर रहे हैं। लेकिन अरुणाचल है असम है मेघालय, हालांकि मेघालय मणिपुर में जो सीट्स है लास्ट इलेक्शन में BJP हार गया है, लेकिन फिर भी डेवलपमेंट के लोग पसंद करते हैं। मणिपुर थोड़ा ट्रिकी इशू है, देखते हैं गवर्नमेंट कैसे हैंडल करेगा। देन यू नो वट एवर दिस थिंग्स हम बोरोइंग है उसमें हमको इंटरेस्ट पेमेंट करना है, उनमें 11,600 to 9.0 crores ये साइंस एंड रिसर्च के लिए ये एक अच्छी एलोकेशन है जो पहले बजट से ज़्यादा है। ये है 32.736 crores, वेरी गुड, लॉट ऑफ पीपल इवन छोटे छोटे जो IIT IIM और साइंस प्लस टू साइंस का स्टूडेंट भी इतना रिसर्च में दिमाग लगाता है, क्या क्या कर लेता है, पैटर्न नहीं मिलता है। हम लोग YouTube में देखते हैं, वीडियो देखते हैं, ये करते हैं, गवर्नमेंट को पैटर्न अप्लाई करते हैं, मिराकल्स मिराकल्स गुड ब्रेन्स, इनको पैसा भी मिलेगा, पैटर्न मिलेगा उनको, प्रोडक्शन के लिए मिलेगा, तो ये इट विल बी गेम चेंजर, ये बहुत अच्छी है। बाकी जो सोशल वेलफेयर GST का जो लॉस है, एक्चुअली GST जब फॉर्मेट हुआ था उन्होंने लॉस के लिए 5 साल का टाइम लिया था, 5 ईयर्स के लिए स्टेट, एक्चुअली जैसे GST से पहले स्टेट लोग अपना टैक्स लगाते हैं, पानी के बॉटल में 50% लगा दें ही लगा दें, तो GST में वन नेशन वन टैक्स में होता है कि आपने अगर पानी का बॉटल में 50 रुपये लगाया टैक्स 50% लगाया, दूसरे ईयर में 20% लगाया, तो आपके पास 50% में जो लॉस होता है वो स्टेट बियर करेगा, सबका 20% कर देगा, हाँ जो सेंट्रल बियर करेगा, ऐसे ही हो रहा है। तो 5 साल में ख़त्म होने चाहिए, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने उसको आगे बढ़ा रहे, स्टेट को सपोर्ट कर रहे हैं। भाई भाई GST के ऊपर एक मैं बात बता रहा हूँ, GST का काउंसिल होता है, लोग सोचते हैं कि आटा में रेट बढ़ गया GST बढ़ गया, चावल में GST बढ़ गया, सीमेंट में GST बढ़ गया, ऐसा नहीं होता। GST का काउंसिल होता है, सेंटर एक उनका चेयरमैन होता है फाइनेंस मिनिस्टर, GST का काउंसिल होता है, काउंसिल में हर स्टेट का जो
फाइनेंस मिनिस्टर है वो पार्टिसिपेंट है, जहाँ डिसन होता है डिस्कस होता है वहीं पर निकर्स आता है, उसका बाद जीएसटी का ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन में। और मजे की बात है कि जीएसटी में जो स्टेट का टैक्स है, स्टेट कलेक्ट करते हैं वो पैसा उनके पास जाता है, जो सेंट्रल का है अराउंड 26-27% वो ज़्यादा है वो सेंट्रल के पास जाता है। उसमें भी जो फाइनेंस कमीशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें दैट 26% से घट मतलब उसका 41% जो है वो स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट होता है, सेंट्रल के पास जितना बचता है उतना बचता है। हालांकि सेंट्रल स्टेट में उनको चलाना, उनको देश चलाना है, लेकिन देश तो स्टेट चलाता है, सेंट्रल सिर्फ अपने कुछ डिपार्टमेंट को चलाता है, इसलिए वो भी होता है। तो जीएसटी के ऊपर जो लोग फॉल्स न्यूज़ बोलते हैं कि सेंट्रल ने जीएसटी में इतना लगा दिया उतना लगा दिया, ऐसा नहीं है। पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के डोंट गेट इनटू दोज ट्रैप्स। जीएसटी जो है टोटली सेंट्रल का कोई मतलब नहीं है, जीएसटी का काउंसिल होता है ऑटोनोमस, वो डिसाइड करते हैं सब लोग जो है जीएसटी का। ये कंटिन्यू हुआ, बाकी रोड ट्रांसपोर्ट में भी उन्होंने 5,44,000 ठीक है, रोड ट्रांसपोर्ट डेवलप हो रहा है एक्चुअली, न्यू रोडवेज का साथ नया बस भी चाहिए, नया टेक्नोलॉजी चाहिए, ड्रोन चाहिए, ये चाहिए सब चाहिए। देन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव जो एरिया है उनके लिए 68,670 crores, एंड बाकी जो रेस्ट वगैरह कुछ ये है। ये टोटली मोटा मोटी बजट है, ये मैंने कर दिया। अभी मैं ये बजट का पर मैं अपनी पर्सनल मंतव्य दूंगा। ये बजट में जो स्पेशलिटी है ये है कि सरकार चलाना है, उन्होंने एक लोग कहे थे, मतलब जो जनरली बजट का जब प्रतिक्रिया आता है एक्चुअली वन द बजट इज डिक्लेयर्ड एवरीथिंग, उसके बाद डिफरेंट टीवी चैनल वगैरह यूट्यूब चैनल सब में एक पैनल डिस्कशन होता है, मैं बैठा वो बैठा डिफरेंट होता है, उसका जो रिएक्शन जो होता है उसमें एक सेगमेंटेशन होता है। मतलब अगर मैं अपोजिशन पार्टी हूँ तो बजट का जो प्लस होगा रहता हूँ मैं बताऊँगा, मैं बोलूँगा ये तो बेकार की बजट, आजकल इंडिया में आज तक तो ऐसा बजट हो ही नहीं, इतना बेकार बजट हो ही नहीं। और जब मैं पैनल में बैठ रहा हूँ, जब मैं रूलिंग पार्टी का हूँ, मैं बोलूँगा ये ऐसा बजट कभी हुआ ही नहीं, ये तो देश का ये ऐसा करेगा कि देश जगह चांद में पहुँच जाएगा, ऐसा बजट युगांतकारी बजट है, इट इज़ ए यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बजट। लोगों को ये बजट से शिक्षा रहना चाहिए, हर देश बाहर इतना कंट्रीज है ये देखना चाहिए ये बजट कैसे है, ये रूलिंग पार्टी का मंतव्य है। बाकी कुछ लेफ्ट वाले रहते हैं, लेफ्ट रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, हर बजट में कभी खुश नहीं रहते हैं, खुश नहीं रहते हैं। हालांकि 140 करोड़ का जो पॉपुलेशन है उनके लिए ऐसा कोई बजट आज तक ना तो इंडिया में ना तो वर्ल्ड में आया है जो सब लोग खुश हो सकते हैं, आज तक कभी नहीं हुआ है। तो कुछ लेफ्ट लिबरल लोग है हमारे ग्रुप में भी है, वो लोग कोई भी बजट में खुश नहीं है। जब कांग्रेस भी पावर में थे ये लोग उस बजट को क्रिटिसाइज करते थे, उनका हमेशा गरीब इनिक्वालिटी एंड ये जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ये सब मतलब 4-5 क्यू आ रहे उसका पर वो करते हैं, उनको पता नहीं है कि मतलब कभी सोल्यूशन नहीं देंगे, बोले कि ये ऐसा होगा तो ऐसा होना चाहिए, अगर ये नहीं होगा तो ऐसे ना कभी सोल्यूशन आएगा, हमेशा क्रिटिसाइज करेंगे चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, ऐसे भी बहुत लोग हैं। और चौथी ग्रुप जैसे हम लोग हम लोग क्या क्रिटिसाइज करें क्या फॉर करें, हम लोग मिडिल क्लास है, 4 crore करीब है परसेंट, कुछ नहीं हमारा वोट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। गवर्नमेंट कुछ कुछ ट्रॉफी हमको देता है, लेकिन ये जे मतलब इनकम टैक्स में थोड़ा सा स्टैंडर्ड डेविएशन में बढ़ा दिया और ये स्लैब थोड़ा बढ़ा दिया, उसमें कोई
हमको कोई फायदा नहीं है, और सब लोग जो मिडिल क्लास ही है मिडिल क्लास को कोई फायदा नहीं। मिडिल क्लास में अगर जब तक ना वेजिटेबल ये रेट वगैरह कम नहीं होगा ना, अब जितना बोलो कि हम फिजिकल डिफिसिट ही डिफिसिट जो है आजकल हालांकि फिजिकल डिफिसिट का भी मसला रहता है। इंटरिम बजट में 5.1% जीडीपी का रखा था, अभी 4.9 को 0.2% निकाला है, कम किया है, जबकि जो इन्फ्लेशन 4% का लेवल पर आ जाए, अभी 4.1-4.2 चल रहा है। लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग का इन्फ्लेशन जो फिगर होता है ना, जीडीपी फिगर, ये फिगर, इसमें कोई मतलब नहीं है। चूँकि हम जब लेकर जाते थैला ले जाते हैं बाज़ार में खरीदने के लिए, तुम रोड बनाओ, तुम एयरपोर्ट बनाओ, तुम एम्स बनाओ, हमको भी मतलब नहीं है। एक्चुअली हम जब थैले ले गए थे हमको ये खाने पीने का सामान कितना मिलता है वो हमारा ये है। प्रधानमंत्री का जो ये है अभी आंध्र प्रदेश, हालांकि क्रिटिसाइज हुआ है, क्रिटिसिज्म हुआ है कि आंध्र प्रदेश और बिहार को जो दिया वो बाकी स्टेट को नहीं दिया। बिल्कुल सही है, क्यों नहीं देंगे? चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की बजाय से ये गवर्नमेंट चले और 5 साल चलेगा? तुमको कौन मना किया था जब तुम लोग गवर्नमेंट चला रहे थे? तुमने तुमको भी देने का था, तुमने दिया भी है, लेकिन उस टाइम पर तुमने ठीक से नहीं दे पाया। तुमने मिनिस्ट्री तुमने अलग कर दिया, ममता दीदी को रेडियो मिनिस्ट्री दे दिया था, और दयानिधि मारन को दे दिया था बीएसएनएल, जो टेलीकॉम मिनिस्ट्री जो बीएसएनएल को लूट के खा गया, डुबा दिया था। प्रफुल्ल पटेल को दे रहा था एविएशन मिनिस्ट्री, वो एविएशन को मार मार के पूरा सत्यानाश करके अपने ही ये कर लिया। तुमको कौन मना करता था बजट देने के लिए? तो ये, लेकिन आज ए पर्सन लाइक मी, एक्चुअली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। मैं अगर शेयर मार्केट में थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करके पैसा इनकम कर दूँ, आपने कैपिटल गेन टैक्स बढ़ा दिया, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बढ़ा दिया। हम कोई फिक्स डिपॉजिट वगैरह करते हैं, उसका जो इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्ट से जो पैसा मिलता है उसका फिर आपने टैक्स बढ़ा दिया। तो इसमें क्या है ना, अगर कुछ इनकम टैक्स में रिबेट थोड़ा बहुत दे के जितना पैसा हमको दिया है उससे ज़्यादा पैसा तो आपने ले लिया है, तो मिडिल क्लास के लिए बजट में कुछ है नहीं। लेकिन अगर एक अच्छा सिटीजन कम अफेक में सोचूं तो ये बजट जो है ये पॉलिटिकल बजट नहीं है, इसमें कोई ना तो वोट की ही है, और मोदी भी उसका दिमाग बहुत साफ है, चलिए उसको वोट नहीं चाहिए, वो चाहिए कि वो चाहते हैं कि मैं देश आगे बढ़े, नहीं तो वोट चाहिए होता तो वो जो इंटरिम बजट किया ना उस टाइम पर वो फ्री भी चलो तुमको 5,000 रुपये पर महीना मिल जाएगा, मैं देता हूँ, लिख के देता हूँ खट्टा कर देता हूँ, 300 यूनिट बिजली फ्री पहुँच गया कि नहीं अभी 10 मिनट मुझे बताओ, लिख के देता हूँ, ऐसा वो कर सकता था, लेकिन नहीं किया कि वो सोचता कि नहीं कोई मुझे गाली दे कुछ करे, 10 साल में नेक्स्ट जनरेशन को फायदा हो। हम लोग सफ़र कर रहे हैं लेकिन ये बजट जो है नेक्स्ट जनरेशन के लिए, अगले साल अभी 5 साल मतलब 29 तक तो मोदी के गवर्नमेंट को खतरा नहीं है, तो अपने मन में जो उसको चाहिए वो करेगा। और ये बाकी जो पक 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 होता है ना, वो राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता दीदी, ये सब पक 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 करते रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे 29 तक, और 29 के बाद भी बीजेपी ही आएगा। ये हम लोग को तकलीफ हो रहा है लेकिन हम भी बीजेपी के पीछे खड़े हैं। बस बजट की ऊपर जो मैं ये क्या है एनालिसिस क्या है इतना ही करता हूँ, डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, डिटेल में तो पेपर वगैरह सब आता रहा, सब लोग पढ़ लेंगे देख लेंगे, बाकी अगर कुछ ये है कमेंट में मुझे भेजने से मैं उनका रिप्लाई दूंगा। इसका साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, अगली वीडियो तक मेरा इंतजार कीजिए, लेकिन फिर भी आखिरी रिक्वेस्ट है मेरा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, डिसलाइक भी कीजिए और मेरा व्यूअरशिप बढ़ाइए। नमस्कार अगेन।
जय हिंद।